आज हम आपसे बात करेंगे वो बहुत ओबियसली सेंसिटिव और um, काफ़ी आप लोगों को अपने पास्ट में जाना पड़ेगा uh, मैं आप लोग से कुछ सवाल पूछूंगी और फिर आप लोग अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते मेरे साथ मेरे घर का मुकम्मल जो माहौल था वो मरदों के हाथ में था पित्रे था मेरे वालद साहब और भाइयों सारा होल फैमिली का उन्हीं का था इन्हीं खातिन की एक किसी भी कंट्रीब्यूशन फैसले साजी में कोई भी नहीं थी मेरे वालद साहब कहते थे कि अच्छा था कि बेटियों को पैदा होते ही लोग दफना देते थे तो मेरा ख्याल है मुझ में ये इन त, तमाम चीज़ों को देख ऑब्जर्व मुझसे नहीं होती थी कि ये हम मेरी वालदा या मेरी ख़ाल ये मेरी बड़ी बहन को स्कूल से उठा दिया गया क्यों उठा दिया गया हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती डोमेस्टिक वायलेंस कोई बड़ी बात ही नहीं थी या, हमारे किसी बच्चे की गलती पे भी मेरी वालदा के मुंह पे प्लेट और चीज़ें फेंक दी जाती थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मेरे वालद का रवैया मेरी माँ के साथ तो मैं बहुत माइंड करती थी अपनी माँ को कहती भी थी आप ऐसा करें ना बोलें तो सो so, वो अंदर जो स्ट्रगल थी और वो मैं अब कहूँगी कि बगावत थी वो पूरी तरह इस, आ, मुकम्मल तौर पे एक शख्सियत मेरी अंदर से चेंज कर रही थी मैंने अपने घर के इन्वयमेंट को अपने अपने वाले के घर के सेटअप से बिल्कुल चेंज रखा आ, मेरे दो बच्चे जो थे बेटा बेटी उसमें इसी किस्म का फ़र्क मेरे मियाँ ने कभी भी आने नहीं दिया हमारा घर जो था वो शुरू से एक सेफ स्पेस था फॉर ऑल द गर्ल्स अराउंड द फैमिली नॉट ओनली इन फैमिली बट ऑबियसली इन आर नेबरहुड एज़ वेल उसकी एक वजह तो ये थी कि एवरीबडी न्यू कि माई फ़ादर वॉज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ़ फॉर हिज़ वाइफ एंड फॉर द डॉटर्स तो वो ये था कि वो अगर आकर अम्मी से कोई बात नहीं कर सकते थे तो वो ऑब्वियसली तो डायरेक्टली अबू से बात कर लेते थे कि वो सिर्फ वायलेंस के या अब्यूज़ के सेंस में नहीं था इट वाज ओवरऑल अ सेफ स्पेस जहाँ पे वो आके अपनी बात कर सकते थे And they, they actually were inspired of the practical implementation. Family members that unki wife is taking her own decisions and she's not answerable to him, or he's not the one giving her the rights because she is born with the rights. My activism was हमारे मोहल्ले में चाचा गामा के नाम से बहुत मशहूर एक शख्सियत थी जो कि वो समाजी कारकुन थे उनके घर मेरा आना जाना बहुत था और वो एक सोशलिस्ट बंदे थे उनके घर की किताबें उनके घर में बहुत बड़े बड़े सियासी शख्सियत का आना और अक्सर उनकी डिबेट में मैं खामोशी से बातें भी सुनती नोट भी करती उन्होंने कहा आप हिस्सा लेना चाहती हैं तो मैंने बहुत खुशी से कहा कि बिल्कुल मैं भी जाना चाहती तो वो मेरी पहली एक्टिविटीज़ थी जो पूरे एक बाज़ार में वहाँ पे कोई पाँच दस हज़ार मज़दूरों में पहली दफ़ा मैंने बात की तकरीर की और लोगों को महंगाई के बारे में बताया और जो लेबर थे उनके राइट्स के बारे में बताया और छोटी सी थी उन्होंने नीचे टेबल रख दी और बड़ी एक चादर ली हुई थी तो मिट में होने की वजह से क्राउड बढ़ता जा रहा था जब देख रहे थे कोई ख़्वीन भी इनमें तकरीर कर हमारा कल्चर थोड़ा सा बहुत तंग नज़र हमारा एरिए और हमारे इलाके जिसमें खातन का इस तरह सड़क पे आके बात करना कोई ईजी बात नहीं तो क्राउड का ये था कि लोग खामोशी से सुन रहे थे कि एक औरत या एक लड़की क्या कह रही है मुझे लगा कि मैंने सब कुछ कह दिया वो पाँच छः मिनट की कोई तकरीर थी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला Uh, बाद में लोगों ने बड़ी क्लैपिंग भी की जब मैं नीचे उतरी तो मैंने फील किया कि मेरी टांगें कांप रही थी वेन इट कम्स टू फैमनिस्ट या वेमेन एक्टिविस्ट इन पाकिस्तान यान खैबर पख्तनख्वा अगर मैं बात करूँ तो चैलेंजस uh, बहुत ज़्यादा हैं एक तो अगर आप यू आर अ मेल और आप राइट्स के ऊपर काम करें दैट्स ऑल फाइन विद एवरीबॉडी लेकिन अगर आप एक लड़की औरत होकर आप बात करें राइट्स की तो पहले तो ये है कि आप खराब हैं और दूसरों को ख़राब करना चाहते हैं आप किसी का घर देख नहीं सकते बस्ता तो आप जो है ना ये कर रहे हैं इस तरीके की गंदी बातें सुनने को मिलती हैं फिर आपको ये सुनने को मिलता है कि खुद तो शादियाँ करती नहीं हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं तो शायद दूसरों को भी इसी चीज़ की आ, इसी चीज़ के ऊपर जो है वो एडवोकेट करते हैं तो मतलब टैग टैग लग गया मेरा जैसे मेरी मर्जी वाली औरत फेमिनिस्ट का हो तो आपको गंदी गंदी गालियाँ दे के गंदे गंदे नाम दे के पुकारते हैं मुझे बहुत क्लियरली याद है कि वेन आई वेंट टू तो द यू एस टू तो रिसीव एन अवार्ड और जब मैं वापस आई तो बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिली कि मे बी दिस गर्ल्स माइट हैव एन अफेयर विद सम समर्टन पीपल इन दोज कम्यूनिटीज़ एंड दैट्स द रीज़न दैट दे आर रिसीविंग द इंटरनेशनल अवार्ड्स मैट्रिक में मैंने बहुत अच्छे पोजीशन ली तो मैंने अपनी माँ को कहा मैंने कॉलेज ज़रूर जाना है जब मैंने वालिद साहब से बात की उन्होंने कहा कि अगर दाखिला लेती है तो जिस तरह हम कहेंगे उसी तरह आना जाना पड़ेगा ये कहें कि एक एग्रीमेंट करवा के मुझे उसमें एडमिशन दिला दिया गया तो वहाँ पर एक ग्रुप था लड़कियों का जो मुख्तफ़ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे वो उस पर काम कर रहे थे कि वो सियासत पे और राइट्स पर स्टूडेंट राइट्स तंजीम साजी पे काम कर रहे थे मुझे फील हुआ कि ये जो लोग बात कर रहे हैं ये राइट्स बेस पे है तो इनका साथ देना चाहिए मैं उनकी एक बहुत क्लोज एक मेंबर बन चुकी थी एक दिन प्रोटेस्ट था तो वो लड़कियों के साथ ग्रुप के साथ से हम लोगों ने भी प्रोटेस्ट में प्रिंसिपल के ऑफिस के आगे गमले तोड़े चीज़ें तोड़ी तो उन्होंने मैं फिर पुलिस बुला के हमारी फैमिलियों को बुला लिया तो यही फ़ैसला किया कि अब आप कॉलेज नहीं जाएंगी हम अपनी मर्जी से शादी करेंगे और अब आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे मुझे लगता था कि मेरे पर काट दिए गए मैंने बहुत आगे जाना है मैंने बहुत काम करने हैं मैंने ये चेन लाना था मैंने यहाँ जाना था और मैं जानती थी कि अगर मैंने ज़्यादा बात की तो मैं भी ये मुझे मेरे पर हाथ उठाएं और ये मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि कोई मर्द दोबारा किसी औरत पर हाथ उठाए अलॉट ऑफ इंस्डेंसिस जब मुझे देख कर गुस्सा भी आया इवन अब तक ऐसा ही होता है ग़ुस्सा भी आया और आई रिली वॉन्टड इट्स नाव इज़ द टाइम के अब इसके बाद तो मतलब कोई रीज़न ही नहीं बचती कि इंसान बात ना करे मेरी अपनी एक कज़न उसकी शादी हुई और टाइम इंड अगेन उसके साथ बहुत ज़्यादा उसको फिज़िकली इमोशनली मैंटली अब्यूज़ किया जाता था उसके हस्बेंड की तरफ से उसके इन लॉस की तरफ से जब वो बार बार उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करती थी अपने पेरेंट्स को अपनी फैमिली को वो यही कहते थे कि वापस आने का तो कोई रास्ता है नहीं और ना कोई चांस है, और ना तुम एक्सपेक्ट करो कि तुमने वापस आना है एक दफ़ा ये हुआ कि मैं घर पे थी बेल बजी जब मैं बाहर गई तो आ, मेरी काज़न थी और लिटरली उसके आ, बाल बिल्कुल ऐसे जमे हुए थे और उन बालों से खून निकल रहा था तो और वो बहुत ही उसकी बिल्कुल शिव पेल बहुत ज़्यादा उसको उसके हस्बैंड ने मारा हुआ था बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम उसके साथ वायलेंस हुआ था मुझे रोना आ गया उसी टाइम उसको देख के और मैं बहुत जो थी आई स्टार्ट फील थोड़ा सा मैंने पैनिक भी किया कि इसके बाद तो आई वॉज लाइक कि नहीं भाई दिस इज़ द एंड दो तीन दिन से ज़्यादा शवाना सख्त अपसेट रही यानी वो रही नहीं कर सक रही थी थी तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सक रही थी तो कि मर्द इतना नहीं और इतने सख्त भी हो सकते हैं कि इतना ज़ख्मी करके कि किसी लड़की को घर से निकाल सकते हैं यूनिवर्सिटी में ये था कि आँ... बिकॉज आई वॉज आई वॉज रियली वेरी मच इन्वोल्व्ड एज़ अ वॉल्टर वन द होल लेजिशन का प्रोसेस चल रहा था हरासमेंट को लेकर तो बहुत सारी लड़कियों को मैं खुद जानती हूँ अपनी दोस्तों को बहुत सारे लोगों को जिनको बहुत मुश्किल से परमिशन मिली थी यूनिवर्सिटी आने की आई एग्जैक्टली रिम्बर के मेरे एक टीचर होते थे वो हमें पढ़ाते पढ़ाते क्लास में हमारे साथ लड़के होते थे और हम लड़कियों को बोलते थे अपनी आँखें बंद करो आई हैव टू टेल ए जोक टू द मेल स्टूडेंट्स सो लिटरली इट यूज टू हैपन दिस ओपनली तो ये चीज़ इतनी कॉमन थी और इतनी इतनी गंदी हद तक थी यूनिवर्सिटी में और अब अब भी है बट बहुत वो अफेक्ट करती थी आपको कि मैं किससे बात करूँ ना करूँ बंदा डर इंसान डर जाता है हर लड़की दूसरे अपने इवन क्लास फेलो से बात करते वक्त भी डरती थी पहले तो आई अरेंज फ्यू सेशन ऑन हरासमेंट कि वट इज़ द पॉलिसी अबाउट और स्टूडेंट्स किस तरह उसको कंप्लेंट मकानिज़म क्या है आई आई रियलाइज कि मुझे इसको इनडायरेक्टली करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं कुछ इस तरह का करूँ जो कि ये मुझे जिस चीज़ से रोक भी ना सकें और मेरा जो जो बात मैं करना चाहती हूँ वो भी थोड़ी सी कन्वे हो जाए उसमें वाट आई डेड वॉज के मैंने आई uh, डिसाइड कि मुझे अपना थीसीज जो है वो रिसर्च जो है मुझे हरासमेंट के ऊपर करना है स्पेसिफिकली सेक्शुअल हरासमेंट तो आई वेंट टू द डायरेक्टर ऑफ एस एंड दे वर लाइक पहले तो वो सारे इस तरह हो गए सेक्शुअल हरासमेंट सेक्शुअल क्या होता है आपको लगता है सेक्शुअल इज़ रेप और रेप आपको लगता है यूनिवर्सिटी में रेप होते हैं और ये किस तरह दिस इज़ नॉट द लैंग्वेज वी कैन अलाउ आई एम सॉरी बहुत बहुत चीज़ों के बाद जो है उन्होंने जाके एग्री किया एंड व्हेन आई हैड द रीसर्च और जब मैं उनके दफ्तर उस पूरे प्रोसेस के बाद रिसर्च लेके अपनी गई मैंने कहा सर दिस इज़ द रिसर्च एंड यू कैन सी द रिज़ल्ट एटलीस्ट ही गॉट अ मैसेज के एक तो ये कि रजिस्टेंस के रेजिटेंस ही कैन फेस द रेजिटेंस टू एंड दूसरा ये कि गर्ल्स कैन टॉक अबाउट सेक्शल हरासमेंट एंड दे अबाउट इट एंड टीचर्स डॉट एवर सोसाइटी इन जनरल जो कि इसके ऊपर बात नहीं करना चाहती वी रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट इटा तो मेरा ख्याल उस वक्त से शुरू हो गई थी जब मैं घर में अपने वालद के खिलाफ अपनी माँ को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए बात करती थी या मैं स्कूल में इलेक्शन में स्कूल के हेड गर्ल बनने के लिए शुरू की थी या अपने मुख्तलिफ कामों के लिए जो हुआ तो मेरा ख्याल अवाल मेरे अंदर उस वक्त से स्टार्ट हो चुकी थी तो मैंने सोचा कि खातीन के मसाइल काम की जगह पर अपने घर में बाजार में हर जगह पर मुख्तफ हैं और हैं बहुत ज़्यादा तो क्यों ना एक ऐसी तंजीम अपने दोस्तों के साथ मिलके बनाई जाए कि उसमें हमारी कई लड़की ख़वान अपनी अपनी एक्सपर्टीज भी उनकी हो वो भी शामिल हो और अपने मसाइल भी बता सके हम लोगों ने जब ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करवाया तो उस वक्त हमारे पास फाइनेशली तौर पे हम बहुत वीक थे एक कमरा था और उसमें दो मेरी एक दोस्त थी उन्होंने मुझे एक टेबल डोनेट की थी घर का कंप्यूटर उस वक्त तो कंप्यूटर ही थे मैं कंप्यूटर घर का उठा के ले गई ऑफिस में रखने के लिए मुश्किल दो टेबल और दो कुर्सियाँ उस कमरे में आती थी और काम हमारा ये था कि हम मेरी मेरी सोच थी कि ग्रास रूट में चेंज जब तक नहीं आती तो आप हाई लेवल पे चेंज किसी चीज़ को नहीं कर सकते एक्चुअली वर्किंग इन कम्युनिटी जो कि एक रूरल इलाका था वहाँ पे देर वज़ अ हु हैज़ बीन अ ऑफ स्वरा एंड स्वरा इज़ बेसिकली अ ट्रेडिशन जहाँ पे यू गिव हैंड ऑफ अ अमेन और अ गर्ल्ल इन टू मैरिज रिजॉल्व अ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट बारह साल की उम्र में शादी होने के बाद ये था कि शी वॉज बीग ट्रीटेड एज अ मेड ऑल हर लाइफ को बता रही थी कि कॉन्स्टेंटली उसके साथ एक तो डोमेस्टिक वॉयेंस मारपीट मुसलसल होती थी फिर उसके जो इन लॉज थे वो वो इतना उसको एक तो ब्रूटली ट्रीट करते थे तो बट वी डिसाइड के uh, ऐसे कर लेते हैं कि हमें समथिंग टू डू विद हर फिनेशियल स्टेबिलिटी तो वो एटलीस्ट अपने आप को इतनी फुलफिल कर ले कि अगर वो फिर छोड़ने का सोचे भी तो उसके पास कुछ इतने पैसे या इतनी फाइनेंशियली स्टेबल हो कि अगर वो जाना चाहती भी है तो वो अपनी इंफॉर्म डिसीजंस ले हमने उसको थोड़ी सी ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि वाई नॉट स्टार्ट सम ऑफ स्मॉल एक कमरे में अपनी अकेडमी टाइप की जगह बना लो और ख़ुद भी काम करो और बाकी बच्चे को भी सिखाओ एंड यू कैन एक्चुअली आज देम फॉर लाइक हंड्रेड टू हंड्रेड रुपीज़ फ़ीस क्योंकि जो जहाँ की बच्चियाँ आए तो उसके अकॉर्डिंग तो कुछ ना कुछ आपका भी चलता रहेगा काम भी होता रहेगा और आप पूरा दिन बिज़ी भी रहेंगी तो और यह कि अब उसका काम सिर्फ फ़ोन पे है और वो अपना वो इतनी अब बिज़ी हो चुकी है और कि उसको अब परवाह ही नहीं है कि हस्बैंड टाइम दे रहा है नहीं दे रहा क्या और अब उसका हस्बैंड जब से उसने देखा कि शी इज़ फाइनेंशियली स्टेबल और इंडिपेंडेंट है और अपना काम कर रही है और उसके पास पैसे हैं तो अब वो बंदा भी डरने लग गया अब वो बात करते हुए डरता है अब वो ये नहीं बोल सकता कि तुम तो जो हो वो यू आर अमेड या तुम तो काम वाली या तुम तो स्वरा में आई हो क्योंकि उसको पता है अगर मैंने अब कुछ ज़्यादा बात की तो ये बंदी ने तुम तो निकल जाना है यहाँ से हमारा एक यूनियन का प्रोटेस्ट था मेरा बेटा और उसके जो क्लास फेलो थे वो कॉलेज से मेरा खाली उसी वक्त निकली तो इसने देखा उन्होंने ये पश्तों में उसे कहा मोरना था ये आपकी माँ नहीं है उसने कहा हाँ मेरी माँ है लेकिन वो गुस्से से घर आ गया जब मैं शाम को घर में बैठी तो, तो, तो उसने बाप से बैठ के खाने की टेबल पर यही बात की कि मुझे बहुत बुरा लगा है मेरे दोस्तों ने ताना दिए कि तुम्हारी माँ तो आ, सड़कों पर ये और, ये और मुझे अच्छा नहीं लगा मेरे दोस्तों के सामने कि मेरी माँ खड़ी हो उनकी माए हमने आज तक देखी नहीं है मेरे हस्बैंड ने ओपनली बच्चों के सामने और बेटे को कहा कि ये आपका मामला नहीं और दूसरा मैंने आपकी तरबियत ऐसे नहीं की आपकी माँ जो कर रही है उसमें हज़ार औरतों में से कोई एक औरत होती है जो इस तरह इतनी हिम्मत से आपकी माँ हिम्मत का काम करती तो मैं बहुत खुश भी थी और साथ में मुझे यकीन हो गया कि माइंड सेट उनका मुकम्मल तौर पे चेंज हो गया